नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक बेहद ही नए रोचक विषय के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि वे कौन से सपने हैं जो ये संकेत देते हैं कि आप पर किसी ने काले जादू का प्रयोग किया है। दोस्तों, तंत्र मंत्र, टोटके या काले जादू का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं या करवाते हैं। इतना ही नहीं, किसी को अपने वश में करना, अपनी बीमारी या दुख दूसरों को देना, अपने घर की खुशहाली के लिए दूसरों के घर में बाधाएं डालना आदि इसके जरिए प्रयास करते रहते हैं। कई बार तो इसके इतने गंभीर परिणाम सामने आते हैं कि लोगों को समझ ही में नहीं आता कि परेशानी या दुख अचानक से उन पर कैसे आ गया। लेकिन इस काले जादू का असर अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं। इतना ही नहीं, ये कई लक्षण भी दिखाते हैं जिससे अगर हम समय रहते पहचान लें तो इस संकट से आसानी से बचा जा सकता है। दोस्तों, मंत्र का असर किसी पर होने की जानकारी शकुन शास्त्र में विस्तार से मिलती है। इस शास्त्र में कई ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो इंसान पर काला जादू होने के बाद नजर आते हैं। हालांकि ये ऐसे लक्षण हैं जिन्हें केवल यह सोच कर ही नहीं चलना चाहिए कि ये काला जादू है, बल्कि डॉक्टर के संपर्क में जरूर आना चाहिए। साथ ही इलाज के साथ साथ आप काला जादू उतारने के उपाय भी कर सकते हैं। फिलहाल जानते हैं कि वे कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप पहचान कर सकते हैं कि आप पर किसी ने काला जादू किया है या नहीं। दोस्तों, उनमें से सबसे पहला संकेत है कि अचानक से किसी के अंदर आपको अजीब सा बदलाव नजर आ जाना। वह बहुत बोलने या गुमसुम रहने लगे, उसकी हरकतें रहस्यमयी सी लगने लगे, तो उसे नज़रअंदाज भूल कर भी न करें और उस व्यक्ति पर नज़र रखें। दूसरा जो है वो जब कोई भला चंगा हो और अचानक से उसका शरीर सूखता नजर आए, वह सूखा रोग या कोई बीमारी का शिकार हो जाए, ऐसी बीमारी उसे घेर ले जो समझ से परे हो, तो समझ लेना चाहिए कि उस पर किसी ने काला जादू किया है। दोस्तों, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, आपके घर में लगा हरा भरा तुलसी का पौधा एक से दो दिन में ही सूख जाए, या घर में किसी जानवर या पक्षी की हड्डी या खुद पक्षी मरा हुआ गिरा मिले तो ये काले जादू का संकेत होता है। दोस्तों, अगला है किसी इंसान का स्वभाव अचानक से बदल जाए, उसमें तल्खी दिखने लगे या वह हैरान परेशान से नजर आने लगे तो ये काले जादू का संकेत हो सकता है। अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी छोड़ दे, बिजनेस चलता हुआ डूबने लगे या अचानक से काम पर जाने से कतराने लगे तो ये काले जादू का संकेत हो सकता है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिस पे काला जादू हुआ होता है वो सब लोगों से कटा कटा सा रहता है, वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसके नाखूनों का रंग धीरे धीरे सफ़ेद से काला होने लगे, बेवजह से उसके अंदर डर पैदा हो, किसी भी चीज़ से डर जाना, रात में डरावने सपने आना या रात में सोने से बचना, ये सब काले जादू के संकेत माने जाते हैं। अगर आप भी इन संकेतों को समय रहते पहचान लेते हैं तो आप किसी को भी बचा सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपके जानने वाले में नज़र आए तो उसे ज्योतिष के साथ साथ डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद ही महत्वपूर्ण लगी होगी, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके लिए समय से लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।